भाजपा के लोकसभा प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे, जहां जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यालय पर उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि आगामी 11 अप्रैल को करौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाविजय संकल्प सभा आयोजित की जाएगी, जहां वे करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों से संवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों से लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा न केवल करौली धौलपुर लोकसभा सीट को बल्कि पूरे राजस्थान में भाजपा एक बार फिर परचम लहराएगी। विशेष रूप में माननीय प्रधानमंत्री की जो महाविजय संकल्प सभा आने वाले 11 अप्रैल को करौली में होने वाली है, उसकी पूर्व तैयारी के संदर्भ में हम यहां आए हैं और पत्रकारों को मिलकर इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में अब तक 3 सभाएं कर चुके हैं और 11 तारीख को करौली में आएंगे और करौली की जनता के साथ संवाद स्थापित करके सबका साथ सबका विकास के लिए फिर एक बार कमल के चिन्ह का बटन दबाने के लिए अपील करेंगे। करौली धौलपुर क्षेत्र के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जिन महानुभावों के साथ मैं बैठा हूँ, एक दृष्टि से इनकी उपस्थिति सबका साथ सबका विकास की परिचायक है। मेरे बाई ओर हमारे पूर्व सांसद बैठे हैं, जिन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा काम किया है, और मेरे दाहिने हाथ को इस प्रदेश में और आगे ले जाने का संकल्प की हुई हमारी बहन इंदु देवी जी बैठी हुई है, और साथ में बैठे सारे हमारे नेतागण, चाहे प्रदेश के महामंत्री हो, यहाँ के पूर्व विधायक पूर्व सांसद हो या वर्तमान विधायक महोदय हो, इन सारों ने इस प्रदेश में विकास कैसे चरितार्थ किया जा सकता है इसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्हें मुझे लगता नहीं कि मैंने विस्तार से बताना चाहिए, मगर चंबल पर एक पुल की बात जो बरसों तक उपेक्षित रही, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हमारे जनप्रतिनिधियों ने उसका फॉलोअप किया तो वो जमीन पर उतर आई। 2 मेडिकल कॉलेजेस आए, नर्सिंग कॉलेज बना, साथ ही साथ यहाँ के विकास के लिए जिसकी एक अहम भूमिका रहेगी ऐसी एक रेल पटरी का विस्तारीकरण का काम भी बहुत तीव्र गति से शुरू हुआ है, और कुछ ही दिनों में श्री गंगापुर से यहाँ पर करौली धौलपुर तक ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध होने वाली है। तो एक दृष्टि से शिक्षा का विषय हो, संरचना का विषय हो, सामाजिक विषय हो, यहाँ पर मुद्रा के जो लोन का वितरण हुआ है उसमें हमारे जाटव समाज के कई सारे नव युवकों ने उसका भी लाभ लिया है, कई सारे लोगों ने हमारी स्वनिधि योजना का लाभ लिया है, कई सारे किसानों ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत लाभ लिया है। तो मैं मानता हूँ कि एक जनाधार हमारे लिए हमारे सरकार के काम की गुणवत्ता के कारण बन ही गया है। अभी इस जनाधार को वोटिंग मशीन के माध्यम से भाजपा के झोली में डालना ये एक महत्वपूर्ण काम शेष है। आने वाले 8-10 दिनों में हम घर घर जाकर सभी लोगों को मिलकर जनादेश की प्रार्थना करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि श्रीमती इंदु देवी जाटव हमारी भविष्य की सांसद बनकर संसद के नए भवन में प्रविष्ट होगी। हमें इसके बारे में कोई संदेह नहीं। बीजेपी क्या पिछला परिणाम दोहरा पाएगी? निश्चित रूप में दोहरा पाएगी। मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मविश्वास भरा ऐलान किया है कि 100% भाजपा के हैट्रिक हम करेंगे। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के परिवारीजन आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कितने लोग शामिल हो रहे हैं उनके परिवारीजन में? ये हमारे स्थानीय नेता उसकी आंकड़ेवारी देंगे, मगर मुझे लगता है बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, और ये शामिल होना एक दृष्टि से एक कार्यक्रम होता है, मगर लोग अपने दिल से और मन से भाजपा में शामिल हो ही चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकास की महायात्रा पूरे देश में निकल रही है, हर कोई नागरिक इसका यात्री बना। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने राज्यसभा चुनाव के दौरान में क्रॉस वोटिंग की थी, उसके बाद में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर उन्होंने आरोप लगाए थे, अब उनका परिवार बीजेपी में पुनः शामिल हो रहा है, क्या कारण है कि वो पुनः बीजेपी में आ रहे हैं? क्या ईडी के कारण हो रही है कि राजनीति हो रही है?
ऐसा है, मैं मानता हूँ कि मन से जो पार्टी के साथ जुड़ता है वो अपने मन से जुड़ता है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती का विषय ही नहीं आता। और मैं मानता हूँ कि समाज के सारे तबके जब आ रहे हैं, तब पहले भाजपा से रहते, बीजेपी से रहते, कांग्रेस से रहे, ऐसे दर्जनों उदाहरण मैं दे सकता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में तो आज एक दल, कल दूसरा, परसों तीसरा, ऐसे भी लोग हैं, तो क्या करे, लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। देखिए, राजनीतिक दल में आने के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट होती नहीं, राजनीतिक दल एक खुला संगठन होता है और सबको साथ में लेकर हमें इस विचार यात्रा में उनको सहभागी कराना हमारा दायित्व है। उनके परिवारजनों पर चिटफंड के मामले हैं सर, कई मामले अभी भी चल रहे हैं। कानून अपना काम करता ही रहता है, हमने किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं है, मगर जो लोग प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ देना चाहते हैं, उनका मन मानस देखकर हम उनका स्वागत भी करते हैं। धन्यवाद। जीवन टीवी से जयपुर से आया हूँ, एक सवाल मेरा। धौलपुर में विशेष रूप में माननीय प्रधानमंत्री की जो महाविजय संकल्प सभा आने वाले 11 अप्रैल को करौली में होने वाली है, उसकी पूर्व तैयारी के संदर्भ में हम यहाँ आए हैं और पत्रकारों को मिलकर इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में अब तक 3 सभाएं कर चुके हैं और 11 तारीख को करौली में आएंगे और करौली की जनता के साथ संवाद स्थापित करके सबका साथ सबका विकास के लिए फिर एक बार कमल के चिन्ह का बटन दबाने के लिए अपील करेंगे। करौली धौलपुर क्षेत्र के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जिन महानुभावों के साथ मैं बैठा हूँ, एक दृष्टि से इनकी उपस्थिति सबका साथ सबका विकास की परिचायक है। मेरे बाई ओर हमारे पूर्व सांसद बैठे हैं जिन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा काम किया है और मेरे दाहिने हाथ को इस प्रदेश में और आगे ले जाने का संकल्प की हुई हमारी बहन इंदु देवी जी बैठी हुई हैं और साथ में बैठे सारे हमारे नेतागण, चाहे प्रदेश के महामंत्री हो, यहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हो या वर्तमान विधायक महोदय हो, इन सारों ने इस प्रदेश में विकास कैसे चरितार्थ किया जा सकता है इसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्हें मुझे लगता नहीं कि मैंने विस्तार से बताना चाहिए, मगर चंबल पर एक पुल की बात जो बरसों तक उपेक्षित रही, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हमारे जनप्रतिनिधियों ने उसका फॉलोअप किया तो वो जमीन पर उतर आई, 2 मेडिकल कॉलेजेस आए, नर्सिंग कॉलेज बना, साथ ही साथ यहाँ के विकास के लिए जिसकी एक अहम भूमिका रहेगी ऐसी एक रेल पटरी का विस्तारीकरण का काम भी बहुत तीव्र गति से शुरू हुआ है और कुछ ही दिनों में श्री गंगापुर से यहाँ पर करौली धौलपुर तक ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध होने वाली है। तो एक दृष्टि से शिक्षा का विषय हो, संरचना का विषय हो, सामाजिक विषय हो, यहाँ पर मुद्रा के जो लोन का वितरण हुआ है उसमें हमारे जाटव समाज के कई सारे नवयुवकों ने उसका भी लाभ लिया है, कई सारे लोगों ने हमारी स्वनिधि योजना का लाभ लिया है, कई सारे किसानों ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत लाभ लिया है। तो मैं मानता हूँ कि एक जनाधार हमारे लिए हमारे सरकार के काम की गुणवत्ता के कारण बन ही गया है। अभी इस जनाधार को वोटिंग मशीन के माध्यम से भाजपा के झोली में डालना ये एक महत्वपूर्ण काम शेष है। आने वाले 8-10 दिनों में हम घर घर जाकर सभी लोगों को मिलकर जनादेश की प्रार्थना करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि श्रीमती इंदु देवी जाटव हमारी भविष्य की सांसद बनकर संसद के नए भवन में प्रविष्ट होगी। हमें इसके बारे में